बॉलीवुड में आए दिन स्टार किड्स की एंट्री को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले जोया अख्तर की मच अवेटेड फिल्म आर्चीज की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें कई स्टार किड्स नजर आने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है साइबा खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड के सीन। इस फिल्म में खुशी कपूर के साथ साथ और भी कई बड़े स्टार्स के बच्चे बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाले हैं। स्टार किड्स से भरपूर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाते अगस्त्य नंदा, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी बॉलीवुड में अपना कदम रखने जा रही हैं। अब सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड में जल्द ही दो और स्टार किड्स की भी एंट्री होने वाली है। बॉलीवुड के धर्मपाजी यानी धर्मेंद्र लेजेंडरी एक्टर हैं। बॉलीवुड में उनका अलग ही मुकाम है। धर्मेंद्र ने कई सालों तक बॉलीवुड पर राज किया है। धर्मेंद्र के बाद उनका नाम आगे बढ़ाया उनके दोनों बेटों ने, सनी देओल और बॉबी देओल ने। दोनों ने ही अपने अपने जमाने में बॉलीवुड में लीडिंग एक्टर्स की लिस्ट में जगह पाई है। अब देओल खानदान की तीसरी पीढ़ी भी बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए तैयार है। सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल पहले ही अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 2019 में आई फिल्म पल पल दिल के पास से कर चुके हैं। उसके बाद उनकी अभी तक कोई फिल्म नहीं आई है, लेकिन अब उनके छोटे भाई भी बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। सुनने में आ रहा है कि सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल भी अपना बॉलीवुड में पहला कदम रखने वाले हैं। खबरों की माने तो राजवीर पापा सनी देओल की हीरोइन सोनी यानी पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन प्लान कर रहा है। फिल्म डेस्टिनेशन वेडिंग पर आधारित होगी। फिल्म की प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसकी शूटिंग इसी साल जुलाई में शुरू होगी। इस फिल्म से सूरज बड़जात्या के बेटे अवीश बड़जात्या अपना डायरेक्शन में पहला कदम रखने वाले हैं। इसका मतलब फिल्म पूरी तरह से नई पीढ़ी की ऊर्जा से भरी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।